एक बहुत बड़ा सीन हो गया है। मेरा जो मेन चैनल है डेट्रेक्स गेमिंग एंड डेट्रेक्स प्लेस, दोनों चैनल हैक हो चुके हैं। यार क्या हुआ मैं बताता हूँ। 9 बजे आज रात को मैं वीडियो रिकॉर्ड करने बैठा, एक्चुअली मैं फोन ज्यादा पकड़ता नहीं हूँ, मैं सो के उठा था काइंड ऑफ कह लो। तो मैंने फोन में देखा बहुत सारे मेल आए हुए हैं कि मेरा पासवर्ड चेंज हो गया है, रिकवरी ईमेल चेंज हो गई है, 2-स्टेप वेरिफिकेशन चेंज हो गया है, और मेरे सारे फोन से लॉग आउट हो गया था। मेरे रिकवरी मेल पे ये सारी चीज आई थी कि सब चीज चेंज हो गया है, और उसके बाद मेरे पीसी में मेरे पास एक्सेस नहीं था मेरे सेकंड चैनल का। मेरे दोनों चैनल अलग अलग ईमेल पे है, तो मेरा जो सेकंड चैनल था डेट्रेक्स प्लेस, उसका एक्सेस भाई 9 बजे ही मेरे हाथ से निकल गया। मैंने यूट्यूब पे एक रिकवरी वाला कोई वो है क्या कहते हैं साइट है, वहां पे मैंने सारी चीजें दे दी कि मेरा ये चीज जा चुका है सेकंड चैनल का, और फिर भी मेरे पास सेकंड चैनल का एक्सेस था। वो यूट्यूब पे एक ऑप्शन होता है एडिटर का, ठीक है, तो मैंने अपने दूसरे ईमेल पे एडिटर का ऑप्शन दे रखा था, तो मैं इनसाइडली देख पा रहा था कि मेरे चैनल पे क्या हो रहा है। बट रात को अभी क्या हुआ मेरा जो और मेन चैनल का क्या हुआ, मैं जस्ट अभी वीडियो एडिट वगैरह करके सब रेंडर वगैरह हो गया था, मैं अपलोड करने जा रहा था यूट्यूब पे, ओके, तो मैंने देखा यार कि भाई मेरे चैनल का नाम वगैरह चेंज हो गया है और मेरी सारी वीडियोस प्राइवेट हो गई है भाई। और मुझे मैं इंस्टा खोला नहीं था, मैंने इंस्टा खोल के देखा बहुत सारे मेंशन आए कि डेट्रेस का चैनल हैक हो गया है। ब्रो मैं इतना ज्यादा डर गया, मैंने सारी चीजों को रिकवरी जितनी भी थी इस ईमेल की मैंने सारी चीजें चेक की और कुछ भी ऐसा नहीं लगा कि जो सस्पिशियस हो, ठीक है, तो यार क्या पता हैकर के पास एक्सेस हो, आई डोंट नो भाई लोग कैसे करते हैं, बट जो भी था सब मैंने चेक किया जो मेरे साइड से हो सकता था। एंड फिर भी मेरे को अभी भी डाउट है क्या उसके पास मेरा एक्सेस है। मेरे मेन चैनल का तो नहीं पता एक्सेस है कि नहीं, लेकिन मेरा सेकंड चैनल मेरे पास नहीं है। ये हो सकता है कि यार मैंने सेकंड चैनल में ना अपने मेन चैनल का ऐसा एडिटर का ऑप्शन दिया था, ठीक है, जो यूट्यूबर है वो समझ पा रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। मेरे सेकंड चैनल पे मेरे मेन चैनल का एडिटर का ऑप्शन था, तो वो शायद उसी का यूज करके मेरे चैनल का नाम और वीडियो पूरा प्राइवेट किया होगा। आई थिंक सो मुझे ये लगता है। तो ये हुआ एंड आई जस्ट वॉन्ट योर हेल्प भाई, इफ यू कैन हेल्प मी प्लीज मुझे इंस्टा पे DM करो, मैं आपसे बात करूंगा। एंड प्लीज रीमेंशन दिस इन योर स्टोरी, अगर आप मेंशन करोगे तो प्लीज यूट्यूब इंडिया को टैग करता, मुझे टैग करना। और यार 3 साल लगे हैं भाई इस चैनल को ग्रो करने में, इसमें 1 मंथ इसी मंथ हुए हैं, ठीक है, 1 मिलियन इसी मंथ हुए हैं। सो मेरे हाथ कांप रहे हैं, मैं क्या बताऊं यार, बट स्टिल भाई मिलियंस में सब्सक्राइबर है। एक चैनल पे मिलियन में सब्सक्राइबर थे, ठीक है, और एक पे 2,30,000 कुछ थे, एंड दो एक मेन चैनल पे कुछ 1 मिलियन की एवरेज वॉचिंग आती थी हर वीडियो पे, 1 मिलियन अराउंड व्यूज थे, और सेकेंड चैनल पे 200-300 के व्यूज आते थे, ठीक है। तो प्लीज अगर आप मेरी हेल्प कर सकते हो तो DM करो, और भाई बहुत मेहनत लगी है, ठीक है, ये कुछ ऐसा नहीं है कि 4 दिन में पिलर खड़ा हो गया ब्रो, सालों की मेहनत है, 3 साल एक दिन भी गैप नहीं किया है मैंने, हर दिन वीडियो डाली है, ठीक है। तो प्लीज़ यार एक एक रीमेंशन मैटर करता है, प्लीज़ करना, और कोई हेल्प कर सकता है तो प्लीज़ मुझे मैसेज करना, प्लीज़ बाय। एंड गाइस अब तुम्हें कहीं पर भी YouTube इंडिया को टैग करने की जरूरत नहीं है क्योंकि डेट्रेक्स भाई के साथ YouTube इंडिया की बात हो चुकी है। एंड गाइस आगे क्या क्या अपडेट होता है ये सब मैं तुम्हें बताता रहूंगा, एंड प्रे करना कि उनका चैनल जल्दी से वापस आ जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।